हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है सिक्स चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे हैं डीआरडीओ कोपा के बच्चों के लिए वीडियोस तैयार हो रही है। ठीक है, पेपर आने वाला है बहुत जल्द ही डीआरडीओ का, तो उससे पहले हम जितनी जल्दी हो सके अपने पूरे 15 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, तो अब अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ ये चैप्टर जिसमें हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके टूल्स होते हैं उन सबके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड पढ़ा है, एमएस एक्सेल पढ़ा है इससे पहले हमने, अब पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि एक वीडियो आएगा आपके एग्ज़ाम से पहले जिसमें आप रिविज़न कर पाएंगे अपने कम्प्लीट कोपा के सिलेबस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर। ठीक है, इसके अलावा आपको जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं घर पे आराम से बैठ के। ठीक है, बाकी वीडियोस तो आप देखिए ही और साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल है यहाँ, एम एस ऑफिस का कौन सा टूल है जो प्रिपेयर करता है प्रेजेंटेशन को, और इस टूल को क्या बोलते हैं? इस टूल को हम बोलते हैं बच्चों MS PowerPoint। ठीक है, द कमांड टू इनवॉक PowerPoint फ्रॉम कमांड लाइन इज पावर PNT। ठीक है, पावर पेंट। इनवॉक कौन सी कमांड से होता है PowerPoint? पावर PNT। ठीक है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर इन PowerPoint contained in MS Office version 2007 or later। अच्छा, 2007 से पहले का पूछा गया है कि जो प्रेजेंटेशन बनती थी उसका क्या होता था एक्सटेंशन, तो .pptx होता था। ठीक है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन, अच्छा डॉक फाइल्स कौन सी होती हैं? वर्ड की होती हैं, और XLS जो फाइल्स होती हैं ये आपकी होती हैं एक्सेल में। ठीक है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट कंटेंट इन MS ऑफिस वर्जन 2003 एंड और अर्लियर। अब यहाँ पे पूछा गया क्या एक्सटेंशन होता था 2003 से पहले वाली आपकी एमएस ऑफिस के फाइल्स का, आपके जो पावर पॉइंट की फाइल, वो तो होता था .ppt, ओनली .ppt। अब हो गया .pptx। इसी तरह से .xls 2003 से पहले होता था एक्सेल की फाइल्स का, और .doc होता था 2003 से पहले आपकी वर्ड की फाइल्स का। ठीक है, अब इनके पीछे सबके पीछे एक्स लग चुका है। अच्छा, तो पावर पॉइंट इज सूटेबल फॉर क्रिएटिंग क्या, किस चीज़ की प्रेजेंटेशन के लिए? बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, स्ट्रेटेजिकल, इन सभी के लिए। ठीक है, पावर पॉइंट में भी स्टार्ट यूजिंग, किस तरह से आप पावर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट पे जाइए, ऑल पे जाइए, ऐप्स पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाइए, और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये आप कर सकते हैं, या फिर प्रेसिंग विंडो आर करके आप टाइप कर सकते हैं पावर PNT। ठीक है, पावर PNT एंड प्रेसिंग एंटर, इन दोनों ही तरीक़ों से आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की क्या एडवांटेजेस होती हैं उससे रिलेटेड को सवाल। डिलीवरिंग एन इंफॉर्मेशन थ्रू पावर पॉइंट हेल्प्स टू कीप द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, परमिट्स द स्पीकर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट हेल्प्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद दोज हु डैश द डायरेक्ट सेशन, हु कुड अटेंड या फिर हु कुड नॉट अटेंड, हु बिकेम इंटरेस्टेड टू नो द इंफॉर्मेशन आफ्टर कंप्लीशन। ये सभी, ठीक है, इसमें ऑल ऑफ देम, कोई भी हो सकता है जो आपकी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको है, उसमें हेल्प हो सकती है आपके शेयर इन्फॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। अच्छा, अगला सवाल है यहाँ, पावर पॉइंट हेल्प्स टू क्रिएट अ मिक्स ऑफ डैश टू मेक अ प्रेजेंटेशन लिवली इन इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऑडियो वीडियो मिक्स कर सकते हैं आप, टेक्स्ट टेबल लिस्ट बना सकते हैं, इमेजेस ग्राफ वगैरह सब ये मिक्स करके आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अच्छा, पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो एक्सपोर्ट आप किस में कर सकते हैं? PDF में, वीडियो फाइल थ्रू फाइल सेव एंड सेंड, इन दोनों ही तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट हेल्प करता है डिलीवर करने में कंटेंट ओवर वेब, सोशल मीडिया, ईमेल, किसी के भी थ्रू आप यहाँ से अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं PPTX से के थ्रू। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिंग स्लाइड शो,
के बारे में बताया गया। तो न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फाइल, न्यू फाइल पे जाइए, देन न्यू कंट्रोल प्लस न्यू करके बोथ। हाँ, तो यहाँ पर आप कंट्रोल न्यू करेंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइल न्यू करेंगे तो भी कर सकते हैं, और इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन चूजिंग फाइल न्यू डैश कैन बी चूजन टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। क्या आता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आती है या थीम्स आती है, दोनों ही चीज़ें आपके सामने होती हैं, ठीक है। अच्छा, इन प्रेजेंटेशन स्लाइड स्टाइल मे बी चूजन फ्रॉम डैश मेन्यू। अच्छा, जो स्टाइल्स होते हैं स्लाइड के, वो कहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके, देन थीम्स, ठीक है, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स मिल जाते हैं। इन पावर पॉइंट फॉन्ट फॉर प्रेजेंटेशन मे बी चूजन फ्रॉम डैश। अच्छा, पावर पॉइंट जो होता है उसमें प्रेजेंटेशन कहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं होम पे जाके, देन फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट फॉर प्रेजेंटेशन, फॉन्ट सिलेक्ट करना है, सॉरी, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, फॉन्ट होम पे जाके, देन फॉन्ट। अच्छा, न्यू स्लाइड या स्लाइड लेआउट और रीसेट करना हो आपको, स्लाइड और स्लाइड सेलेक्ट सेक्शनिंग करनी हो तो ये कहाँ से चूज़ करेंगे, ये आप कर सकते हैं होम पे जाके, देन स्लाइड्स पे, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट में पैराग्राफ अगर आपको कोई दिया गया हो स्टाइल पर फॉर प्रेजेंटेशन करनी हो तो ये कहाँ से करेंगे, आप कौन से मेन्यू से करेंगे, होम पे जाके, देन पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग करनी हो प्रेजेंटेशन में तो ये किस मेन्यू के थ्रू करेंगे, तो होम पे जाके, देन ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन में आपको अपनी ड्राइंग करनी हो यूज़, सेम वही सवाल आ गया फिर से ना। अच्छा, यहाँ पे टेबल बनानी हो, इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, इंसर्ट पे जाके आप टेबल पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इमेज लाइक पिक्चर फ्रॉम फाइल फ्लिपकार्ट फोटो एल्बम, ये किस तरह कहाँ से करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे, देन इमेज पे जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। अच्छा, पावर पॉइंट में जियोमेट्रिक ग्राफिक शेप्स जो वगैरह होती है, हाइपर लिंक्स, एक्शन लिंक, ये सब कहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये आप करेंगे, आप जाके इंसर्ट पे जाएंगे और लिंक्स पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वही सेम सवाल हो गया फिर से एक बार, ठीक है। अच्छा, सेम नहीं है सवाल ये, एक सेकेंड, सवाल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज्योमेट्रिकल शेप्स स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट कैन बी इंसर्टेड, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा इंसर्ट और इलस्ट्रेशन के अंदर मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, डेट, टाइम, स्लाइड, नंबर, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन कैन बी कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं जी, या आप इंसर्ट में जाके, देन टेक्स्ट पर, ठीक है। अगला सवाल है, इन पावर पॉइंट इक्वेलेशन इक्वेशन, अच्छा, पावर पॉइंट में जो इक्वेशंस होती हैं मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह, ये कहाँ से इंसर्ट करते हैं, ये आप इंसर्ट पे जाके, देन सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वीडियो, ऑडियो वगैरह, ये सब कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं इंसर्ट पे जाके, मीडिया से। अच्छा, फाइन ट्यूनिंग द प्रेजेंटेशन, अब इससे रिलेटेड MCQs आएंगे। अच्छा, पावर पॉइंट में पेज सेटअप एंड स्लाइड ओरिएंटेशन में भी कंट्रोल्ड बाय, अच्छा, ये सब कहाँ से कंट्रोल करते हैं, ये आप कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके, पेज सेटअप से, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ से कंट्रोल करते हैं आप, ये करते हैं आप डिज़ाइन में इफेक्ट से, ठीक है। अच्छा, स्लाइड थीम जो होती है ये कहाँ से कंट्रोल होती है, ये होती है डिज़ाइन में जाके, थीम से। अच्छा, यहाँ पे कलर थीम जो होती है बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में और टाइटल कलर में, ये कहाँ से होती हैं कंट्रोल, ये होती हैं आपकी इंसर्ट में जाके कलर्स पे, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट में फॉन्ट्स जो होते हैं ये कहाँ से आप चूज़ करते हैं, फॉन्ट्स आप चूज़ करते हैं इंसर्ट में जाकर, फॉन्ट्स, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट में जो बैकग्राउंड फिल कलर जो होता है और हाइड बैकग्राउंड होता है, ग्राफिक्स होते हैं, ये कहाँ से यूज़ करते हैं, ये आप कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके, बैकग्राउंड पे, ठीक है। पावर पॉइंट में आप प्रीव्यू कहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेन्यू से, ये आप ट्रांजिशन में जाके, देन प्रीव्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट ट्रांजिशन जो इफेक्ट्स हैं ये कहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है, इससे इधर जाकर। अच्छा, कुछ जो साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ लगाने हो, ऑटोमेटिक ट्रांजिशंस टाइम्स वगैरह सेट करने हो, ये कहाँ से करेंगे आप, ये आप करेंगे टाइमिंग्स के अंदर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आपको फ्लो ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस वगैरह देनी हो प्रेजेंटेशन में, तो ये कहाँ से अप्लाई करेंगे आप? ये आप कर सकते हैं एनिमेशन में जाकर, एडवांस्ड एनिमेशन में, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट में अगर आपको एनिमेशन प्रीव्यू देखना हो, ओपन करना हो, ये कहाँ से करेंगे आप? ये करेंगे एनिमेशन प्रीव्यू में जाके, ठीक है। इसके अलावा आपको जो एनिमेशन की टाइमिंग्स वगैरह कंट्रोल करनी हो, ये कहाँ से करेंगे? एनिमेशन टाइमिंग्स में, ठीक है। इसके अलावा आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कौन सा मेन्यू में जाके करेंगे? ये करेंगे आप स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो पे, ठीक है। और अगला सवाल है, यहाँ पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो और पेज और सेटअप वगैरह करना चाहते हैं, टाइमिंग्स वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ ट्रांजेक्शन्स, टाइमिंग्स, ये सब रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये कहाँ से होगा? ये होगा आपका स्लाइड शो पे जाके, देन सेटअप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लैंग्वेज प्रूफिंग वगैरह, एक एक टूल के बारे में आपको बताया गया कि कैटेगरी में क्या क्या आपके दिए गए हैं टूल्स, उनके बारे में, ठीक है। अच्छा, प्रूफिंग लैंग्वेज, कमेंट्स वगैरह, कंप्रेशन वगैरह दी गई हैं, ये किस तरीके से आप कहाँ देख सकते हैं? ये रिव्यू में जाके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको आ जाता है मास्टर व्यू, रूलर, ग्री लाइन, गाइड्स, जूम वगैरह, विंडो कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, न्यू विंडो, ऑरेंज वगैरह, ये सब कहाँ होता है? ये सब आपका होता है जी व्यू के अंदर, ठीक है। अच्छा, गुड प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होती है? टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मिनिमाइज टेक्स्ट एंड मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज करना है आपको? ग्राफ, इमेज, वीडियो, ये सब बड़ा करके दिखाना होता है, अट्रैक्टिव बनानी है तो प्रेजेंटेशन। टू मेक एन इफेक्टिव इम्पैक्ट, अ प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी लॉन्ग, रनिंग टू 2-3 आवर्स, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, तभी वो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है उसका, है ना। टू मेक एन इफेक्टिव इम्पैक्ट अ पर्सन, अ प्रेजेंटेशन शुड बी, अच्छा अच्छा इफेक्ट पड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, अच्छी सी वही बात है ना। अच्छा, ऑप्टिमम ड्यूरेशन फॉर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए? ऑप्टिमम ड्यूरेशन 22 to 35 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना रख सकते हो, ठीक है। इन प्रेजेंटेशन द रूल ऑफ थ्री मीन्स इज, क्या होता है थ्री का मीन्स? इसका मतलब होता है People remember the best three items, ठीक है। After preparing a presentation, it should dash to make it effective. कौन सी चीज़ है जो उसको इफेक्टिव बना सकती है? Be kept in pen drive or CD till delivery. Never be open till delivery. Be open just for delivery. Be rehearsed many times. ऑब्वियसली बात है, जिस चीज़ को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से होती है ना, तो आपको रिहर्स करना चाहिए प्रेजेंटेशन जब प्रिपेयर करते हैं, तो सब कुछ डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, किस तरह से सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिहर्स करना चाहिए बहुत ज़्यादा बार, तब जाके वो अच्छे से होता है। अच्छा, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनमें से कौन सा टेक्स्ट टाइप है जो कि स्लाइड शो में होना चाहिए? सिंपली कीप रीडिंग होनी चाहिए, या फिर ऐड स्पाइस टू टेक्स्ट थ्रू स्टोरीज एंड फेबल्स? ऑब्वियसली बात है, स्टोरीज और फेबल्स के थ्रू अगर आप टेक्स्ट आते हैं, आपके दिखते हैं, तो वो एक अलग ही इमोशंस जगाते हैं पब्लिक के अंदर, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं अपने चीज़ों को। अच्छा, वन शुड रिकॉर्ड द प्रेजेंटेशन इन डैश एंड वॉच इट अगेन टू फाइंड द मिस्टेक डन ड्यूरिंग डिलीवरी। अच्छा, यहाँ पर आप वीडियो बना के देख सकते हैं और फिर दोबारा उसको करेक्शन कर सकते हैं। टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वन शुड, यहाँ पर आपको रिमेंबर ऑफर अ लीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ये रखना है आपको, ठीक है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए ये ध्यान रखना है। अच्छा, वन शुड हैव डैश टू कैटर टू द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऑफ प्रोजेक्टर फेलियर, पावर फेलियर, कंप्यूटर फेलियर, डिस्क एरर एक्सेट्रा। अच्छा, क्या होता है? अ बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए अल्टरनेट डिलीवरी के लिए आपके पास, ठीक है, एक बैकअप प्लान तो पक्का होना ही चाहिए। अगला सवाल है, बिफोर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर शुड बी
क्या होना चाहिए प्रेजेंटर को. अराइव एट द रूम अर्ली, वेरीफाई प्रेजेंटेशन लोडेड ऑन द प्रोजेक्टर, चूज द बेस्ट प्लेस टू स्टैंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. लीजिए, यहाँ पर हमारा 6th चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना 7th चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं सोच रही हूँ इसी वीडियो में क्यों ना इंक्लूड कर दिया जाए. आपका 7th चैप्टर हो सकता है, हम कर सकते हैं इसी वीडियो में. ओपन ऑफिस है और थोड़े ही सवाल हैं, इसी में कंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ओपन ऑफिस भी, जैसे कि आप जानते हैं, एमएस ऑफिस का ही एक टूल है, पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस की बात की जाए, द सूट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर ऑफर्ड बाय अपाचे फाउंडेशन फॉर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, ड्राइंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, openoffice.org. ठीक है जी, openoffice.org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल हैज एक्सटेंशन. क्या एक्सटेंशन होता है ओपन ऑफिस की जो ओआरजी फाइल्स होती हैं, इनका होता है जी .odt. ठीक है, अच्छा ओपन ऑफिस की जो स्प्रेडशीट होती है ये इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ods होता है स्प्रेडशीट का. ठीक है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन पूछा गया है, ये पूछा गया है फाइल का एक्सटेंशन होता है .odg. ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .odg, और फाइल्स जैसे कि हमने बात की, एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .odt, और आपकी यहाँ स्प्रेडशीट होती है .ods, और जो आपकी फाइल होती है वो होती है .odg. ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटेंशन पूछा गया है आपकी प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन होती है .odp. ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटेंशन पूछा गया है आपकी प्रेजेंटेशन फाइल, सेम वही सवाल है. और अगला है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हुए, तो राइटर को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं. अच्छा, स्प्रेडशीट कैन बी प्रिपेयर यूजिंग किसके, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप स्प्रेडशीट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये है कैल्क. ठीक है, ओपन ऑफिस ORG में कैल्क एप्लीकेशन का यूज़ करके. ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रिपेयर कर सकते हैं आप किस, कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए, कैल्क. ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं आप ड्राइंग, कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए, ड्रॉ. ठीक है, ड्रॉ का यूज़ करके ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, ऑफिस में ही प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंटेशन होती है इम्प्रेस एप्लीकेशन से प्रिपेयर. ठीक है, और यहाँ पे डैश, अच्छा इमेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, तो डैश आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस, कौन सी होती हैं, विद, कलर, हाइट, ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी इमेज के लिए. एन इमेज इज़ मेड ऑफ स्मॉल डॉट्स कॉल्ड पिक्सल, छोटे छोटे डॉट से बनी होती है कोई भी इमेज, तो उनको बोला जाता है पिक्सल. ईच पिक्सल प्रोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ डैश, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी हर एक पिक्सल में, कलर और ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो ये दोनों ही होती हैं. अच्छा, नॉर्मली कलर जो कोडिंग होती है इमेजेस में वो क्या रिप्रेजेंट करता है सिस्टम की, रेड, ग्रीन और ब्लू अल्फा. ठीक है, इन तीन कलर से मिलके ही आपके सारी चीज़ें ये बनती हैं यहाँ पर. अगला है, एनी विजिबल कलर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन. मैंने जैसा अभी बोला कि इन तीनों कलर से मिलके ही सब कुछ बनता है. अच्छा, अल्फ़ा वैल्यू ऑफ ज़ीरो रिप्रेजेंट्स डैश कलर. अच्छा, कौन सा कलर होता है ये, ओपाक्यू. ठीक है, ओपाक्यू, ये ध्यान रखिएगा. मैक्सिमम अल्फ़ा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कौन सा कलर, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, मैक्सिमम कलर वैल्यू. अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यू जो दी होती है बिटवीन 0 to मैक्सिमम रिप्रेजेंट डैश कलर, कौन सा कलर होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट कलर होता है जो 0 से मैक्सिमम वैल्यू होती है. ठीक है, यहाँ पे इमेज टाइप्स के बारे में बात कर ली गई है, तो BMP इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर, BMP किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये होती है आपकी बिट मैप. ठीक है, क्या होता है बिट मैप. JPG, JPEG इमेजेस किस फुल फॉर्म पूछी गई है, तो होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है, और JPEG इज अ स्टैंड फॉर, इज अ कॉम्प्रेशन फॉर मस्ट. अच्छा, कॉम्प्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है JPEG के, लूजी या लॉसलेस, तो यहाँ पे लूजी होनी चाहिए. ठीक है,
अच्छा, JPEG के लिए आपको वाइडली अडॉप्ट फॉर कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए आप डिजिटल फोटोग्राफी कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं JPEG के लिए आप, ठीक है। अच्छा, 200 इज़ JPEG, 2000 इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ JPEG अडॉप्टेड इन डैश। वीडियो फ्रेम कंप्रेशन के लिए लिया गया, वीडियो के लिए या फिर ग्रे स्केल के लिए? तो ये वीडियो फ्रेम कंपैरिजन के लिए लिया गया था, ठीक है। अच्छा, तो JPEG 2000 इज़ द डैश कंपैरिजन फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है, लूज या फिर लूज लेस? दोनों ही है, ठीक है, लूज या फिर लूज लेस दोनों ही है। एंड डिजिटल इमेजिंग GIF स्टैंड्स फॉर, GIF किस चीज़ के लिए, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और अगला सवाल है यहाँ, डैश फाइल फॉर्मेट सपोर्ट सिंपल एनिमेशन इन एनी इमेज। कौन सी इमेज होती है? GIF इमेज होती है जो सिंपल एनिमेशन को सपोर्ट करती है। अच्छा, डिजिटल इमेजिंग TIFF स्टैंड फॉर, TIFF की यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो TIFF की फुल फॉर्म होती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इन डिजिटल इमेजिंग TIFF स्टैंड्स फॉर डैश, वही सेम सवाल है, तो ये हो गया टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF इज मोर सुटेबल फॉर डैश देन फॉर डिजिटल फोटोग्राफी। किस चीज़ को सुटेबल करती है? ये आपकी डिजिटल प्रिंटिंग को बहुत ज़्यादा सूट करती है। अच्छा, PNG तो होती है वो इमेजिंग होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। PNG सपोर्ट करती है कौन से कंपैरिजन को? ये होती है लॉसलेस, ठीक है, लॉसलेस। अच्छा, गूगल वेब पेज पे इज़ इन इमेज फॉर्मेट विच सपोर्ट। कौन सा इमेज फॉर्मेट जो है सपोर्ट करता है, लूजी या लूजलेस? ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं गूगल वेब पे, तो ठीक है। अच्छा, गूगल वेब एम्स टू सुपर सीड्स डैश एज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल। ये कौन से डिजिटल कैमरा? JPEG होती है, ठीक है, नॉर्मल जो होता है। अच्छा, ICO इज एन इमेज फॉर्मेट कंटेनिंग वन और मोर आइकन ऑफ डैश टाइप। BMP भी हो सकती है और PNG भी हो सकती है, दोनों ही टाइप की हो सकती है, ठीक है। अच्छा, CPT फाइल एक्सटेंशन स्टैंड फॉर, CPT पूछ लिया गया है, तो कोरल फोटो पेंट। PSD पूछ लिया गया है, तो PSD की फुल फॉर्म होती है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSP फाइल एक्सटेंशन पूछ लिया गया है, तो ये होता है पेंट शॉप प्रो, ठीक है। ये सारे आप इमेज फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, इमेज एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। XCF जो होता है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये होता है आपके ई एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ठीक है। अगला है SVG इमेज फॉर्मेट किसके लिए स्टैंड करता है? ये करता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडिटिंग ऑफ इमेजेस बताई गई है, द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग इमेज इक्वालिटी बाय रोटेटिंग एक्सट्रैक्शन कलर ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल रिलोकेशन मॉर्फिंग एंड कन्वर्सेशन कलर इमेज, ये सब चीज़ें कैटेगराइज्ड किसके अकॉर्डिंग होती है इमेज, ये होती है आपकी इमेज एडिटिंग में, ठीक है। अच्छा, अडोब फोटोशॉप कॉल पेंट शॉप प्रो GIMP एटसेट्रा बिलोंग टू कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सिंपल एज इमेज एडिटिंग कैटेगरी से, ठीक है। डैश इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर इमेज एडिटिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री है? GIMP, ठीक है जी, GIMP। GIMP टूल बॉक्स कैन बी ओपनड यूजिंग डैश। किस चीज़ के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं GIMP? विंडोज़ पे जाके टूल बॉक्स देन मेन्यू या कंट्रोल बी होती है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है, दोनों से ही। GIMP टूल बॉक्स कंटेन्स रेक्टेंगल एलिप्स फ्री हैंड फ्यूजी टूल कलर सिलेक्ट सिजेरियन सिलेक्ट टूल, ये सब चीज़ें टूल किसके लिए होते हैं ये पूछा गया है, ठीक है जी। तो ये सब होते हैं आपके सिलेक्टिंग पोर्शन ऑफ इमेज के लिए, ठीक है जी। अच्छा, GIMP में कलर वन पार्ट ऑफ इमेज मे बी पिक्ड फॉर पेंटिंग अनदर पार्ट यूजिंग।
तो ये होता है कलर पिकर के थ्रू, ठीक है। GIMP में आप इनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड यूजिंग करते हैं किस टूल के द्वारा, ये करते हैं आप जूम टूल के द्वारा। GIMP डिस्टेंसेस एंड एंगल्स कैन बी मेजर यूजिंग डैश टूल, कौन से टूल के द्वारा, मेजर टूल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट पोर्शन कैन बी मूव्ड यूजिंग डैश टूल, कौन से टूल के द्वारा, मूव टूल के द्वारा कोई भी सिलेक्टेड पोर्शन आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा पोर्शन आप मूव कर सकते हैं, ये मूव टूल के द्वारा, ठीक है। एजेस ऑफ इमेजेस कैन बी रिमूव्ड यूजिंग, अच्छा इमेज के एजेस किस टूल के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, तो ये क्रॉप टूल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे अलाइन किस टूल के द्वारा मदद कर सकते हैं आप, अलाइनमेंट टूल के द्वारा, ठीक है। लेयर्स वगैरह जो होती हैं पोर्शन, वो किस तरह से आप रोटेटेड कर सकते हैं, तो ये रोटेट टूल के द्वारा, ठीक है। सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ लेयर्स में भी स्केल्ड यूजिंग डैश टूल, कौन सा टूल यूज़ होता है यहाँ पर आपके लेयर्स के लिए स्केल करने के लिए, उन्हें स्केल टूल, ठीक है। अच्छा सिलेक्ट रीजन ऑफ लेयर में भी डिस्टॉर्टेड यूजिंग डैश टूल इन GIMP, ये होता है शीयर टूल, कौन सा होता है, शीयर टूल, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ, सिलेक्टेड रीजन और लेयर कन्वर्टेड टू 3D अपीयरेंस यूजिंग डैश टूल इन GIMP, कौन सा होता है, पर्सपेक्टिव टूल, ठीक है जी। 3D जो आपकी जो भी होती है कन्वर्ट करता है आपके लिए इसको जिसमें, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल है, सिलेक्टेड पोर्शन में भी डिस्टोर्टेड इन साइड अ केज यूजिंग डैश टूल, कौन सा पोर्शन आप डिस्टोर्टेड कर सकते हैं, कौन से टूल की मदद से, तो चेंज ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से, ठीक है। अच्छा इमेज को फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये किसके द्वारा, फ्लिप टूल की मदद से, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट को आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेज में, कौन से टूल की मदद से, टेक्स्ट टूल की मदद से, ठीक है। अच्छा फिल कर सकते हैं आप GI टूल में, फिलिंग कैन बी फिलिंग डन यूजिंग में, कौन सा टूल होता है, ये होता है बकेट फिल, ठीक है। अच्छा कलर डिफरेंसेस बिटवीन एडजेसेंट पोर्शन कैन बी हेल्डेड थ्रू प्रॉपर ग्रेडियंट यूजिंग डैश टूल, कौन सा टूल होता है, ये होता है आपका ब्लेंड टूल होता है, ठीक है। अच्छा पेंसिल ड्राइंग कैन बी डन, पेंसिल ड्राइंग किससे कर सकते हैं आप, पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा सवाल है अगला, सिंपल पेंटिंग कैन बी डन यूजिंग, सिंपल पेंटिंग किसके थ्रू बना सकते हैं, ब्रश के द्वारा, इरेजर इंक, इन सब चीज़ों के द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल है यहाँ, GIMP परमिट मैनिपुलेशन एट डैश लेवल, अच्छा ये इमेज लेयर स्केल लेयर इन सब पर ही आपको मैनिपुलेशन की जो मिलता है ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमने एक ही वीडियो में आपका 6th and 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये सारे सवाल हमने पढ़े देखे, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले आपके लिए और इस तरह की वीडियोज़ बनाने का जल्दी जल्दी। इसके अलावा अगले वीडियो में हम बात करेंगे 8th चैप्टर की, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक।